हर पल हर मोमेंट हर एक सेकेंड में उसकी याद आती है। उससे बात नहीं किए जैसे मेरी जिंदगी सर सब कुछ रुक गया है। ना ना हंसी से हंसने आ रही है, ना रोने से आंसू आता है। हर पल हर एक पल उसी की याद। वो क्या कर रहे है, कहाँ है सर? हमें इस लड़की को, हम इससे बहुत बहुत बेहद अपने दिलो जान से प्यार करते। सच्ची मोहब्बत हम इसके बिना नहीं जी सकते। प्लीज हमें जैसे भी इससे और हमारा पैचअप करा दीजिए। जो जो भी कीमत देना पड़े, जो भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार है। बस एक बार इससे फिर से हमारा रिलेशन अच्छा कर दीजिए। अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास कॉल आया जिसमें कि एक नौजवान बहुत ही हताश हो चुका है, निराश हो चुका है अपनी ज़िंदगी से और बड़ी ही विषम स्थिति में फंसा हुआ है। उसका जो साथी है वो उसे छोड़कर कहीं चला गया है और उसको मिलने की भी कोशिश नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में जब उसने मेरे से करुणा से बात की तो मेरा दिल जो है पसीज गया। अभी तक मेरा दिल भरा हुआ है और उसकी आप बातें सुनिएगा किस तरह से वो कितना पीड़ित है अंदर से। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो, आपका दिल टूटे, तो अपने आप को संभालिए, अपने विचारों पर कंट्रोल रखिए। मैं मानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है लेकिन आपको ये करना होगा। अपने विचारों को नियंत्रण रखें और ये सब कुछ जो है वो लिखा हुआ है। जो भी आपके साथ अभी हो रहा है वो पहले से ही लिखा हुआ है। बस आप तो एक कठपुतली हैं जो उसको प्ले कर रहे हैं, उस रोल को आप प्ले कर रहे हैं। तो इतना मत सोचिएगा, भगवान पर सब छोड़िए और किसी भी तरह का गलत कदम ना उठाएं और परमेश्वर में विश्वास रखें। अब जब परमेश्वर ने आपको ज़िंदगी दी है तो कुछ ना कुछ तो उसने भी सोचा होगा आपके बारे में। आप जो हैं, आपका रोल और कोई दूसरा नहीं प्ले कर सकता। आपकी उतनी ही ज़रूरत है इस दुनिया को जितनी कि एक पहाड़ की होती है। पहाड़ का काम आप नहीं कर सकते और पहाड़ आपका काम नहीं कर सकता। तो जितनी भी आप जीव देखेंगे पृथ्वी पर, छोटी से छोटी चींटी का भी रोल है कुछ ना कुछ। तो परमेश्वर में विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। और इस स्थिति को देखते हुए मुझे ये वाला गाना याद आता है, आप भी सुनिए और इस विषम स्थिति को महसूस करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। क्योंकि आपके अंदर अगर नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आप डिजीज़ की तरफ मुड़ जाएंगे। अपने आप को स्वस्थ रखिए, अच्छे विचार अपने मन में लाइए और स्वतः ही भगवान आपकी सुनेगा और आपके ऊपर उसकी करुणा ज़रूर होगी। अपने परमेश्वर पे विश्वास रखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपके साथ अभी ये जो उल्टी हवाएं चल रही हैं, कभी ना कभी तो ये सीधी होंगी। और परमेश्वर पे विश्वास रख के एक दुआ कीजिएगा। दुआ करने से ये जितना भी कुछ आपके साथ उल्टा हो रहा है वो सही हो जाएगा, ऐसी मेरी कामना है। और आइए सुनते हैं ये वाला गाना। माए नी माए मैं एक शिकरा यार बनाया ओदे सिर ते कलगी ते ओदे पैरी झांझर ओ चोग चुगेंदा आया ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਰੂਪ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤਿਖੇਰੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮਹਿਕਾਂ ਦਾ ਤਿਰਹਾਇਆ ਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਨਵਾਰੀ ਵੇ ਅਸਾਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆ ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਲੀ
उस पैर जा पल के पाया। दुखण मेरे नैणा दे कोए ते विच हड़ हंजुआ दा आया। सारी रात गई विच सोचा उस की जुल्म कमाया। सुबह सवेरे लैनी बटना वे असा मण मण उस नवाया। दही दे विचों निकलण चिणगा नी साडा हाथ गया कुमलाया। चूरी कुटा ता खांदा नहीं वे असा दिल दा मास खवाया। एक उड़ारी ऐसी मारी एक उड़ारी ऐसी मारी ओ मुड़ वतनी ना आया माए नी। मैं एक शिकरा यार बनाया